नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और हम पहुंचे हैं डबुआ एयरफोर्स के पास, पुलिस चौकी के पास। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आग लग गई। किसमें आग लगी ये एक बार देखेंगे, जानेंगे। और नैन चौक के पास है, ये देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुँच चुकी थी। और ये देख सकते हैं यहाँ, ये देखें तमाम भीड़ थी यहाँ। और एक बार दिखाएंगे क्या था, ये देखें गोदाम है शायद, और गोदाम में आग लगी थी। ये देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। और कोई किसी कोई चोट तो नहीं लगी किसी को, ये देख सकते हैं। ये गोदाम था और ये गोदाम देख रहे हैं, लेकिन कैसे आग लगी ये देख रहे हैं पूरा तखत। ये कैसे लगी बाबूजी, किसका है ये बाबूजी, आपका है? ये नहीं, ये कबाड़े का गोदाम, हमारा मकान अच्छा। कबाड़े का गोदाम। तो ये आग कैसे लगी? आग का कोई पता नहीं, आग का कोई पता नहीं, तंगा से लगी है। पर कोई नुकसान नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान बस ये कबाड़े का सामान पड़ा था जी, फाइबर वाइबर जी, एकदम धुआं उठता देखा तो भाग के आए। ताला बंद था इसका, ताला तोड़ा, पानी के ड्रामन से पानी फेंकी, पाइप लगाए बच्चों ने। बहुत बंद था ये? हाँ जी बंद था। पुलिस प्रशासन तुरंत आया है बगल में, आज बगल में हमारे चौकी इंचार्ज राजेश कुमार जी, वो तुरंत आए और उन्होंने बहुत जो है बढ़िया कार्रवाई करवाई है। यहाँ पर तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया है, फायर ब्रिगेड मौके पर है। पड़ोसियों ने बहुत बढ़िया करते तो ये और ज्यादा मकान और कॉलोनी में ही फैल जाती आग। सबसे पहले सिलेंडर हटवाए पड़ोसियों ने, घरों में सबके सिलेंडर बंद करवाए, सिलेंडर हटाए बंद कराए। सबसे पहले तो यही है कि देखो आग है वो तो किधर भी हो सकती है ना, बढ़ सकती थी। पर यह है कि यहाँ की कॉलोनी के बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और फायर ब्रिगेड के आने से पहले 50% आग पर काबू पा लिया था। हाँ जी आप देख सकते हैं, लेकिन कोई जानहानि नहीं हुई है, कोई नुकसान हानि नहीं हुई है। बस ये है कि सही सलामत जो है उनके बच्चे बाहर निकाल दिए, पड़ोसियों के गैस सिलेंडर वगैरह बाहर कर दिए। अच्छा ये जो बन रखा है इसका गेट उधर है क्या? उधर है इसका गेट और साइड को है। तो ये गोदाम टाइप का था, ये बंद था, कबाड़े का बंद था, ये ताला लग रहा था। ये किसी ने लगाई है क्या? हो सकता है किसी से, देख सकते हैं गोदाम था ये, देख सकते हैं ये गोदाम। और ये देखें, अब ये नहीं कहा जा सकता कि आग कैसे लगी, किसी ने लगाई, क्योंकि यहाँ और कुछ ऐसा है नहीं। कोई ये भी नहीं कह सकते कि बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ बताएं जी, बस तो आप कर लो बंद, बच्चे बर्थडे मना नहीं नहीं बताओ जी, कुछ नहीं हो तो क्या, आप बता तो दिया सबने। अच्छा तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आप बता रहे हो कुछ तो। ये देख रहे हैं यहाँ कोई बिजली की व्यवस्था भी नहीं है जो शॉर्ट सर्किट हुआ हो, लेकिन पता नहीं कैसे आग लगी, क्या कारण था, किसी ने लगाई है, ये अपने आप लगी। लेकिन ये देख रहे हैं जो भी कुछ सामान था, जितना भी स्क्रब का सामान था वो सारा जल के राख हो गया पूरा। देख रहे हैं बगल में ये घर था जहां बता रहे हैं कि लोगों ने इसकी दीवार के साथ में, दीवार के साथ ही किचन थी जी, है ना, किचन दीवार के साथ ही थी। अच्छा जब ये लगी होगी कबाड़े में, प्लास्टिक रबड़ सब कुछ रहता है तो बहुत तेज, ये देखो ना ये हटाए हैं सब, ये बहुत तेज चली होगी ना, किसी पर वीडियो होगी तो वो दिखाएगा एक बार को। तो यहाँ पे 6-6 फुट ऊंची, मैं तो ये सोच रहा था कि चक्की पे लड़ाई वड़ाई होगी, भीड़ सी देखी जाए पे, अरे एकदम धुआं। ये देख कौन सी जगह है बाबूजी, कौन सी जगह है? जरा आपने ये है नंगला रोड खंडवी, खंडवी है। हाँ जी वीडियो दिखाओ ना एक बार, अपनी एक बार वीडियो हो तो दिखाओ ना, एक बार वीडियो दिखाएंगे आपको किस तरह से। हाँ हमें भी फोन आया था कि बहुत ज्यादा आग लगी है, भयंकर आग लगी है, आग लगी थी। ये देख सकते हैं आप, ये तो बाद की है, ये देखें हाँ ये तो जल चुका है सारा कुछ, से पहले की देखो डॉक्टर साहब, पहले वाला मैं नहीं बनाया था ना, मैं तो सारा अच्छा। फायर ब्रिगेड में लगा हुआ था, फायर ब्रिगेड आए, फायर ब्रिगेड आए, फायर ब्रिगेड आए। पर लोगों ने मतलब बहुत मदद की है, जो आस पड़ोस के लोग है ना उन्होंने बुझा दिया, 60% तो बुझा दी थी आग पहले ही, फायर ब्रिगेड आने से पहले ही। लेकिन अगर ये रात वात में होती तो दिक्कत होती, हाँ कॉलोनी में बहुत दिक्कत हो जाती, सिलेंडर भी है पड़ोसियों के सबके घर में। टाइम लगा सर करीब पौना घंटा लगा फायर ब्रिगेड आने में, बिल्कुल। लेकिन रात में होती तो नुकसान होता था, हाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता, लॉन्ग रास्ते पे चली गई थी इस वजह से उनको लेके आना पड़ा, वो गलत रास्ते पे चली गई थी, वो एयरफोर्स गेट पे चली गई थी, एड्रेस नहीं पता था, बिल्कुल बहुत अच्छा काम, क्राउड इतना है, भीड़ है जी, बिल्कुल भीड़ है, बिल्कुल। यहाँ तो वो ऑटो फंस जाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंची है और आग पर काबू पा लिया, लेकिन कोई
जान आने नहीं है। स्क्रब का गोदाम था, कबाड़े का गोदाम था शायद, और उसमें तो आपको दिखाया कि पूरा जल गया था, सब कुछ जलकर खाक हो गया और कोई जान हानि नहीं हुई है। और ये गोदाम था, बंद था, इसमें ताला लगा हुआ था, लेकिन अब पता नहीं कैसे आग लगी। और आग इतनी भयंकर थी कि जो कुछ भी सामान उसके अंदर था वो सारा जल के खाक हो गया। पुलिस मौके पहुंच चुकी थी, हालांकि यहाँ से नज़दीकी पुलिस चौकी है, 100-200 मीटर की दूरी पर ही पर्वतिया कॉलोनी की पुलिस चौकी लगती है, और फायर ब्रिगेड भी यहाँ पहुँच कर आग बुझा दी। लेकिन उससे पहले जो यहाँ के लोग थे, अड़ोसी पड़ोसी थे, उन्होंने मिलकर उस आग पर काबू पाया, वरना ये आग और घरों में मकानों में पहुँच सकती थी। तो फरीदाबाद कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी आग थी, कैसे लगी ये अभी पता नहीं लगा। जैसे भी कोई जानकारी इसके बारे में होगी वो आपको ज़रूर बताएंगे और जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।